गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया, उसमें भी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को अपन ने डिस्कस किया, साथ में शिफ्टिंग थ्योरम्स को भी अपन ने जो है स्टडी किया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर रहे हैं, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ये डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या है, पहले अपन उसका स्टेटमेंट देखेंगे, देन उसको अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, इफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एक्स। ठीक है, यदि कहने का मतलब क्या हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर फंक्शन एफ टी का ये है, तो अगर इस फंक्शन एफ टी के डिवीजन में भी वेरिएबल टी आ जाता है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक इंटीग्रल की फॉर्म में होगा, जिसकी लिमिट्स क्या होगी, एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ होगा अपन देखते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी को डिफाइन किया, राइट, वी हैव एफ ऑफ एस, जिसको आप लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, और जिसको अपन डिफाइन करते हैं इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस ऑफ एस टी फंक्शन एफ टी डी टी के फॉर्म। ओके, इस तरीके से अपन डिफाइन किसको करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर अपन प्रूफ की तरफ जाए, तो यहाँ पे जो हमको सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन कैसा चाहिए कि ये जो मैंने फंक्शन एफ एस को डिफाइन किया है, इसका मेरे को इंटीग्रल चाहिए, और इंटीग्रल भी किस फॉर्म में चाहिए, जिसकी लिमिट एस टू इंफिनिटी हो, तो मैं क्या करूँ। तो इस फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट भी करने निकली बिटवीन लिमिट एस टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, पहले तो फंक्शन को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू किसके, एस के, और जिसकी लिमिट्स क्या दे दी हमने, एस टू इंफिनिटी। यहां पर जाके अपने को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी फंक्शन एफ एस, और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एस, उधर भी मेरे पास जगह इंटीग्रल है 0 टू इंफिनिटी, इसको मेरे को इंटीग्रेट एक बार और करना है एस टू इंफिनिटी के लिए, इनटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी डी एक्स, राइट, और इस वाले इंटीग्रल की जो आपकी लिमिट थी दैट इज 0 टू इंफिनिटी। तो यहां से अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करें, तो मेरा ये रिजल्ट तो ऑलरेडी बन गया है। अब मेरे को बनाना क्या है, रिजल्ट ft upon t means यही का यही इंटीग्रल मेरा बन जाए, लेकिन फंक्शन जो यहां पे ft था वो रिप्लेस किससे हो जाए, ft upon t से रिप्लेस हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट में मेरे को ये वाला इंटीग्रल तो एज इट इज चाहिए, लेकिन जो एस टू इंफिनिटी है वो वाला इंटीग्रल मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल का, तो अपन ने चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को यूज किया। अगर मेरे वेरिएबल एस और टी दोनों कैसे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे
यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल यूज करूँ तो मेरे को रिजल्ट क्या मिल जाता है, दिस इज द इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी राइट फंक्शन इंटीग्रल अगेन एस टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी फंक्शन एफ टी दिस इज डी एस डी टी राइट। तो ये मैंने क्या किया, यहां से ये शिफ्ट कैसे आई, मैंने यहां पे चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, जिससे मैं इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख सकता। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसको मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी फंक्शन एफ एस डी एस इज इक्वल इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, और यहां से जब इसका इंटीग्रल किया तो e to the power minus st को with respect to s integrate किया, e to the power minus st upon में कितना जाएगा minus of t, जिसकी limits है s to infinity, और यहाँ पे ये आपका dt as जब हम यहाँ पे इसकी limit substitutions करते हैं तो देखें हमारे पास इधर limit आ जाता है integral 0 to infinity ft, और ये माइनस साइन चाहे तो अपन कॉमन ले सकते हैं क्योंकि लिमिट अपने को किसकी रखनी है, एस को रिप्लेस करना है, तो यहां से जो माइनस ऑफ टी है ये आपका कांस्टेंट होगा राइट। अब एस की जगह पहले मैंने यहाँ पे अपन लिमिट रखा, ये हो गया ई टू दी पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी एंड सेकेंडली ई टू दी पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू डी टी, बट ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू ऑलवेज जीरो, तो हमारे पास रिजल्टेंट बच जाता है इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी एफ टी अपॉन टी विद माइनस साइन इंटू जीरो माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, इसको अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो देखिए हमारे पास में रिजल्टेंट क्या आ जाता है, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी e to the power minus of st and ft upon t dt right। अगर अपन यहाँ पे इस इंटीग्रल को अगर अपन कंपेयर करते हैं लाप्लास की कैलकुलेशन से जो अपन ने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, लाप्लास ऑफ ft देखिए 0 टू इंफिनिटी e to the power minus st ft dt, तो ft मेरा यहाँ पे किससे रिप्लेस हो गया ft upon t से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सो फाइनली इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी, ठीक है। तो देखिए कितने इजीली अपन ने जो है इसको प्रूव कर दिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है, देन द लाप्लास एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू दिस, ठीक, थैंक यू।